हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि गूगल एडसेंस से पिन वेरीफाई कैसे करते हैं और कैसे आते हैं। तो दोस्तों, पिन वेरीफाई के लिए आपको गूगल एडसेंस की तरह से लेटर आएगा, ठीक है। आपको जब अप्लाई करोगे, आप अपना जब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दोगे एडसेंस में, जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है, $10, तब आपको ये पिन वेरीफाई के लिए आपको आपका होम एड्रेस जहाँ आप लेटर मंगाना चाहते हो और आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी या कोई आधार कार्ड या पासपोर्ट कॉपी आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके एड्रेस पे आता है, एक हफ्ते के अंदर आता है। तो मुझे तो जल्दी आ गया था, ठीक है, मुझे 5 डेज में आ गया था। तो इस तरीके से लेटर आता है। तो लेटर को यहाँ से पूरा कट किया, कटिंग करना रहता है, तो मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है, ठीक है, मैंने ओपन किया हुआ है। और फिर ये इस तरीके से आता है आपको गूगल एडसेंस की तरह। देखो, स्पीड पोस्ट से आता है आपको, देखा। ये मैं एड्रेस थोड़ा हाइड कर रहा हूँ, मेरा, मैं नहीं बताना चाहता एड्रेस मेरा, ठीक है। तो यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर रहता है, ओके, आपके पते पे आ जाता है। तो इसके अंदर ऐसा 6 डिजिट का पिन रहता है, ओके। ये 6 डिजिट का पिन को आपको आपके साइट पे जाके पिन वेरीफाई करना पड़ता है। ये पिन नंबर है, ओके। तो मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कैसे आपको पिन वेरीफाई करना है। तो हम आ गए पूरा बिना कंप्यूटर देखे। के स्क्रीन पे, तो यहाँ एक्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ जो लिखा है, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो यहाँ क्लिक करने से ऐसा आएगा, यहाँ आपका एड्रेस आएगा। तो यहाँ देखो, पिन आपको जो 6 डिजिट दिया है लेटर में, वो आपको डालना है, ठीक है। पिन आप डालने के बाद सबमिट पिन पे आपको क्लिक करना है। ये आपको सिर्फ 3 टाइम तक का ही, 3 टाइम का ही वो देगा। अगर आपने गलत डाला तो सस्पेंड हो जाएगा। तो ध्यान से डालिए आप। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर उसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो ये जो लिखा हुआ है, पहले का जो एड था, मतलब नोटिफिकेशन, वो हट जाएगा, ठीक है। वापस मैं क्लिक करूँ एक बार चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है ये। वापस बैक करता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ वापस में। रिफ्रेश मारने से फिर ये चला जाएगा, देखो, ठीक है ना, चला जाएगा। एक चला गया वो मैसेज, दूसरा जो मैसेज आता है जनरल, वो मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पिन वेरीफाई करते हैं। तो पिन वेरीफाई बहुत ध्यान से करना रहता है, 3 टाइम का ही वक्त दिया जाता है आपको। तो आप ध्यान से आप करिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।